हालिया विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, इसको लेकर के अब जिम्मेदार जो है कांग्रेस को भी ठहराया जा रहा है। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कई बातें कही है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सर, कैसे देखते हैं इन राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, अब जेडीयू जो है आप लोगों पे ये कह रही है कि कैसे छोटे दलों को एकजुट करना चाहिए था, लोगों को लाना चाहिए था साथ? क्रिकेट मैच जब चलता है तो कोई जो क्रिकेटर है जो बल्ला पकड़ता है या बॉलिंग करता है तो खेलने वाले को पता चलता है कि कौन बॉल छूट गया, किस पे चौका लगा, छक्का लगा। दर्शक लेकिन पगलाया रहता है कि अरे ये ऐसे होता था, ऐसा हो जाता है। हम लोग तो वी आर इन द फील्ड ना, तो हम लोग को पता है कहाँ क्या हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी से वोट के मुकाबले में 10 लाख ज़्यादा हैं। एक जगह हम जीते हैं, 10 साल से वहाँ पे सरकार थी। तो रिफ्लेक्शंस जब आपको देने हैं, कोई कमेंट्स देने हैं, तो संभल के दिया कीजिए, क्योंकि आप साथी हैं। साथी जो होता है वो आपका बाजार में मजाक नहीं उड़ाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है, करेगी, करना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 300 चुनाव अलग से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी जो है हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम करती है। इन चारों राज्यों में तमाम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्डर तक लड़ा है, तो हम उसको हिम्मत देने की बात करते हैं। हार जीत तो डेमोक्रेसी में होगी, होती रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव के परिणाम जैसे आए, जेडीयू कोटे के बहुत सारे नेताओं ने यह भी कहा कि अब नेतृत्व जो है वो नीतीश जी के हाथों में देना चाहिए, इंडिया अलायंस अब नीतीश का। वहाँ असेंबली चुनाव में नेतृत्व का सवाल नहीं था। नेतृत्व जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन तीनों जगह पे मुख्यमंत्री जो रह रहे हैं उनके हाथों में नेतृत्व था, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी तो नेता हैं। कोई 3 बार का मिनिस्टर है, कोई 2 बार का चीफ मिनिस्टर है, तो सब चीफ मिनिस्टर ही लोग तो कमान संभाले हुए थे। सवाल वो नहीं है, उपहास नहीं उड़ाइए। इंडिया गठबंधन के अंदर बैठ करके सारे फैसले कीजिए। रीजनल अलायंसेस होने हैं, जब रीजनल तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें भी इंडिया गठबंधन को शामिल किया जाएगा। ये सब बात तो वहीं क्लिंच करनी है। हवाओं में बात करना तो हवाबाजी है, उसका कोई हमारे पास उत्तर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये तकलीफ का विषय हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर्स है ना असल में, तो देश बदल रहा है, देश में चीज़ें हमारे तरह नहीं हो पाए, तो इसका थोड़े मतलब है कि हम अपना संघर्ष करना छोड़ देंगे। संघर्ष करें, और तमाम लोग, हम जितने लोग भी हैं इस घटक दल में, सब एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। जो पार्टियां यहाँ हैं, 4 घटक दल हैं यहाँ, वामपंथ है, कांग्रेस पार्टी है, जनता दल है, जनता दल यू है, चारों एक दूसरे का इतिहास जानती है ना। तो हम लोगों को हाँ ये बात सही है कि सामंजस्य हो, अच्छे से सद्भावना हो, हम लोग मिल करके लड़ें। ये सब रिफ्लेक्शन तो इंडिया गठबंधन में जब बात होती है सारे नेतृत्व बैठते हैं, कोई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का नेता नहीं बैठता है। मैं बैठता हूँ, नहीं बैठता हूँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठता है। उसी तरह से जनता दल का, जनता दल यू का, हर 26 पार्टी के बैठते हैं। तो चीज़ों का कॉल तो वहीं लेना है ना, बाहर क्या बात करनी है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी आप लोग लगातार सीट की मांग कर रहे हैं, आपके कैबिनेट में अब तक सीटों की कोई चर्चा नहीं हुई। यह आप बहुत सही कह रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है, और 2 सीट और जो हमारा बचा हुआ है कैबिनेट एक्सपेंशन का, तो उसका फैसिलिटेशन भी जो पहली बैठक हुई थी और उसमें बड़ा रोल प्ले किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये बातें तय हो गई थी। तो ये तो राजद को तय करना चाहिए, बात भी हम लोग की हो गई थी, अभी तक वो नहीं कर रहे हैं, तो ये अफसोस का विषय है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कल आपकी पार्टी के विधायक नीतू कुमारी ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी नहीं, अब नीतीश जी का नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि बिहार मॉडल पे अब चुनाव लड़ा जाए इंडिया अलायंस। व्यक्तिगत जो राय है उसकी भी वैल्यू होती है, वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी सामूहिक राय लेती है। इंडिया गठबंधन में जो फैसला होगा वो फैसला उस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मान्य है, फैसला इंडिया गठबंधन के अंदर होना है। चलिए देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है अपने सहयोगी मिथुन जय के साथ। अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।